Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Respected students, today we are going to discuss our topic, that is a floppy disk, hard disk and software. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपके पास जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या होती है. फ्लॉपी डिस्क जो आपके पास ये पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, ये जो फ्लॉपी डिस्क आपके पास है ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है. ये जो फ्लॉपी डिस्क आपके पास नज़र आ रही है, असल में ये क्या है, ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉडी होती है. ये जो जो आपको नज़र आ रही है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक किस्म की एक बॉडी होती है. अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो इसके अंदर एक गोल सी जो डिस्क आपके पास होती है, ये जो प्लास्टिक बॉडी में, ये उसके जो है उसको प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो आउटर कवरिंग इसकी सॉफ्ट प्लास्टिक बॉडी है, तो इसके अंदर जो एक सर्कुलर आपके पास किस चीज़ का मौजूद होता है, प्लास्टिक जो मेटालिक डिस्क होती है वो किससे जो आपके पास होती है, ये होती है आपके पास लेयर्ड होती है मैग्नेटिक मटीरियल से की लेयरिंग होती है, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें. जिसका फंक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना. अब ये चूँकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी यूएसबी की तरह जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जो है वो जीबीज की फॉर्म में नहीं बल्कि एमबीज की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है. और यूएसबी में आजकल तो जीबीज की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर एमबीज की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है. अब जो इसकी प्लास्टिक कैसेट प्रोटेक्शन जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ये वाली जो आपके पास जो कैसेट्स होती हैं, ये असल में इंटरनल डिस्क को प्रोटेक्ट करती हैं. इसके अलावा आपके पास क्या है कि व्हेन इंसर्टेड इट स्टार्ट रोटेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस डिस्क को कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है, तो जो इसके अंदर की जो मेटालिक जो आपके पास वो होती है डिस्क होती है, वो रोटेट करती है. और वहाँ पर जो है रीड एंड राइट डाटा का मतलब क्या है कि आपके पास जब ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है कंप्यूटर में, तो जो इसका हेड होता है, यानी कि जो ये डॉट सा नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये इसको क्या करती है, रीड भी करती है, एंड जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है वो उसको रीड भी करती है एंड उसको राइट भी करती है. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में आगे फर्दर प्रोसेस करती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हार्ड डिस्क आता है. हम ये देख लेते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है वो आपके पास क्या होती है. जिस तरह से ये पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की आपके पास एक हार्ड डिस्क होती है. कंप्यूटर्स में आपको अगर कभी कंप्यूटर्स ओपन किए जाएँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हार्ड डिस्क जो है वो कुछ इस तरह से होती है. हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है ये असल में एक परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होती है. परमानेंट पार्ट का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब आपके पास ये होता है कि ये जो डाटा को परमानेंटली अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करती है. अभी चूँकि डाटा को अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करती है, तो आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी विंडोज़ हो गई या जितने भी इवन पिक्चर्स भी जो होती हैं वो इसके अंदर स्टोर होती हैं. नेक्स्ट इसके बाद है कि आपके पास है इंस्टॉल्ड इन जो है ये कंप्यूटर के अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर किया जाता है. अब ये चूँकि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट स्टोरेज बन जाती है, तो जो डाटा को इसके अंदर स्टोर करती है. इसके अलावा इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर मेटालिक प्लेट, जिस तरह से ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से ये जो मेटालिक जो 1, 2, 3, 4 किस्म की जो डिस्क जो होती हैं, ये इस तरह से जो डिस्क होती है ये इसके अंदर आपके पास क्या होती है, जो ये लगी हुई होती है इस हार्ड डिस्क के अंदर. प्लेट्स आर माउंटेड ऑन स्पिंडल दैट रोटेट फास्ट. ये जो आपको एक ये जो ये नज़र आ रहा है, असल में ये एक स्पिंडल की तरह इन्होंने कहा है कि ये क्या होता है कि सबसे पहले ना जो जब ये डिस्क आपके पास होती है, जब रोटेट करती है कंप्यूटर में, जब आप इसको हार जब मतलब कंप्यूटर को आप टर्न ऑन करते हो, उस टाइम पे ये जो डिस्क होती है एक कंप्यूटर इसको जो है वो मतलब इसको रोटेट करता है. तो ये जो आपके पास स्पिंडल होता है, सबसे पहले ये स्पिंडल ऊपर होता है. जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये स्पिंडल आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी कि ये जो मेटालिक पोर्शन होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इस डिस्क के ऊपर जो है वो जैसे ही वो मतलब अपने आप को टच करता है, तो जो इन्फॉर्मेशन जो हार्ड डिस्क के अंदर होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है. प्लेट्स आर माउंटेड ऑन स्पिंडल दैट रोटेट फास्ट, यानी कि ये इस तरह से इसके ऊपर प्लेट्स जो है वो मतलब टच इसको स्पिंडल को करती है, ताकि जो है ये तेज़ी से फास्टली रोटेट करे. जितना फास्ट जो ये पोर्शन रोटेट करेगा, उतनी ही तेज़ी से जो इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड की जा सकेगी.
इसके अलावा आपके पास क्या है कि प्लेट्स आर केप्ट इन अ केस, यानी कि जितनी भी प्लेट्स होती हैं ये आउटर जो बॉडी होता है इसके ऊपर भी एक कवर होता है, ये उसके अंदर स्टोर की जाती हैं। प्लेट्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज़ रिकॉर्डेड। जो ये जो आपके पास प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये असल में क्या होती हैं, ये मेटालिक होती है, तो इस मेटालिक के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल का कोट किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा मोर डाटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क एंड देन फ्लॉपी डिस्क। मैंने अब आपसे कहा क्या, फ्लॉपी डिस्क GBs में डाटा को स्टोर करती है, जबकि आपके पास क्या है कि जो ये फ्लॉपी डिस्क होती है इसके अंदर जो आपके पास जो डाटा स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क में वो कम होता है। वो ख़ास तौर पे फ्लॉपी डिस्क में किसकी फॉर्म में आता है, आपके पास होता है MBs की फॉर्म में होता है, स्टोर होता है। इसके अलावा जो आपके पास जो हार्ड डिस्क आपके पास होती है इसके अंदर जो डाटा होता है वो आपके पास है गीगाबाइट्स हो गया, इसके अलावा आपके पास हो गया टेराबाइट्स जो है, इनकी फॉर्म में जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ये परमानेंट स्टोरेज होती है और इसके अंदर तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू कंप्यूटर वो इसके इस वाले के अंदर स्टोर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये जो सॉफ्टवेयर आपने जब भी आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप हमेशा सोचते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इस आप डिस्कस करते हैं, आप इसको पढ़ते रहते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये आपके पास सॉफ्टवेयर है ये असल में क्या चीज़ होती है। ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास होता है इसकी डेफिनेशन है कि इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर आपके पास क्या है, सम टास्क बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है जिसमें हम जिसमें लाइक USB हो गया या अदर वे में के या जो CDs के ज़रिए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए हम जो है कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं कि जो भी हमने काम करना होता है कंप्यूटर का उसमें, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर आपके पास होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनका एक हम कहते हैं कि कलेक्शन होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। हम ये देख लेते हैं कि जो असल में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है हम इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं वो आपके पास क्या होती हैं, मैग्नेटिक टैप के ज़रिए, CDs के ज़रिए एंड फ्लॉपी डिस्क जो है हम इनके थ्रू जो है हम जो कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो मतलब अपना फंक्शन या अपना प्रोग्राम परफॉर्म कर सके। असल में जो मैंने अब आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर होता है असल में ये आपके पास एक कलेक्शन होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स के, यानी कि जब ढेर सारे प्रोग्राम्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो हम प्रोग्राम्स कहते हैं कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला, आपने वर्ड डाला है, आपने पावर पॉइंट डाला है, तो ये आपके पास तमाम क्या कहलाते हैं, आपके पास प्रोग्राम्स कहलाते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन यानी कि आपने अगर आपने लिखना है तो एक पर्टिकुलर टास्क है, एक डिफरेंट प्रोग्राम के जरिए आप उस पर अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं और वो किसके अंदर रन होता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर रन होता है। द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इन टू प्रोग्राम। सबसे पहले कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस किस तरह से आपके पास करता है कि जो भी हम उसको कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं मतलब कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इस वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि हम एडिटिंग भी करते हैं, हम उसको किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक डॉक्यूमेंट को एडिट किया, लिखा उसको, यानी कि इसको मतलब एडिट भी कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको हमने प्रिंट भी निकाला और प्रिंट भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद हम उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकालने के बाद इसका मतलब है जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्रिएट हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिक्स आता है। आजकल जो मॉडर्न वर्ड है दैट इज़ वर्किंग ऑन अ ग्राफिक, इट इज़ वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, ये एक जो है जो हेलीकॉप्टर सॉरी जहाज़ है इसकी ग्राफिक आपके पास एक नज़र आ रही है। असल में ये ग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि
कि जितने भी इवन आप एक कोई भी मतलब कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आजकल मॉडर्न एरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने फॉर एग्जांपल किसी जहाज़ का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ऐसे तो नहीं कि पेपर पे उठाएंगे और बनाएंगे, आजकल उसका 3D इस तरह मॉडल जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किया जाता है। इसके अलावा डाटा मैनेजमेंट का भी जो फंक्शन है वो हम किस में परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।